हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हेयर डिक्शनरी सीरीज 3 में पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने देखा था पैसिव हेयर लॉस के बारे में। आज हम जानते हैं कि हमारा हेयर फॉल क्यों होता है। जो नॉर्मल जो हेयर फॉल आज हम देख रहे हैं पैसिव हेयर लॉस के अलावा, उसके कारण क्या है हेयर फॉल होने के, उसको हम आज जानने की कोशिश करते हैं। मैं हूं डॉक्टर नीलेश पुन और आप देख रहे हैं न्यू रूट्स हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर की तरफ से हेयर डिक्शनरी। तो आइए शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ में, जो है टिलोजन इफ्लुएम। टिलोजन इफ्लुएम यानी क्या? टिलोजन यानी रेस्टिंग फेज, इफ्लुएम यानी शॉक या फिर हेयर फॉल। जब हमने फेजेस देखे थे एनाजन, कैटाजन, टिलोजन, टिलोजन फेज में बाल झड़ते हैं, शेडिंग फेज रहता है, वो नॉर्मली 1% रहता है, मतलब पूरे स्काल्प में 1% ऑफ द हेयर जो है वो चेंज होके उसको टिलोजन फेज में आ जाते हैं। ये इफ्लुएम यानी शॉक, मतलब ये 30-40% में इंप्रूव हो जाना, मतलब 1% ऑफ द स्काल्प जो हमारे टिलोजन फेज में है उसका 30-40% में आ जाना, ये एबनॉर्मल जो चीज़ है इसको कहते हैं टिलोजन इफ्लुएम। इसमें हमारे 30-40% हेयर फॉल जो है वो बढ़ जाता है, तो हमको वो दिखाई देता है। टिलोजन इफ्लुएम को हम कैसे पहचान सकते हैं, उसको हम कैसे जान लें? हेयर फॉल के तो अलग अलग तरह रहते हैं, उसके कॉजेस अलग अलग रहते हैं, तो हेयर फॉल को कैसे समझा जाए? रोज जब हम कॉम करते हैं, जब हम हेयर वॉश करते हैं, ये जो बाल झड़ते हैं ये नॉर्मल रहते हैं। जब हम बात करते हैं, जब टॉवेल से उसको रब करते हैं, वो जो बाल देखते हैं उसको नॉर्मल हेयर फॉल कहा जा सकता है, कि जो रेस्टिंग फेस के हैं उसके बारे में हमको कोई चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर हमारे कोम्ब में, अगर हमारे रूम में अगर हमें कोई हेयर फॉल नज़र आता है और वो 20-25 बालों से ज़्यादा है, और डेली अगर उसका रैपिड उसका हेयर थिनिंग के साथ में उसका डायमीटर भी हमारा कम होते जाता है, तो उसको कहा जाता है टिलोजन इफ्लुएम। टिलोजन इफ्लुएम यानी शॉक। जैसे हमारे बॉडी को शॉक लगता है, जैसे हमारे माइंड को भी इमोशनल स्ट्रेस रहता है, वैसे ही हेयर साइकिल जो रिदम है वो चेंज हो जाना, उसको कहते हैं टिलोजन इफ्लुएम। टिलोजन इफ्लुएम के बहुत से कारण देखे गए हैं, तो उसमें से कोई महत्वपूर्ण कारण है वो हम अभी देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फीमेल्स में जब चाइल्ड बर्थ होता है, जब वो डिलीवरी उनकी हो जाती है, तब उनका हार्मोन्स जो है वो चेंज होके उसका ग्रोथ साइकिल हेयर का वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसके कारण टिलोजन इफ्लुएम बहुत देखने को मिलता है। उनका डिलीवरी हो जाता है तब 1-2 साल तक काफ़ी लेडीज जो है 60-70% जो है वो कंप्लेन करते हैं कि हमारा हेयर फॉल हो रहा है, इसको कहते हैं टिलोजन इफ्लुएम। दूसरा कारण है, मेजर कारण, एक्सीडेंट हो जाना। हमारे बॉडी का जब कोई पार्ट का एक्सीडेंट हो जाता है, हमको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, हमको बहुत दिन तक रेस्ट लेना पड़ सकता है, तो तब हमारा हेयर साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि हमारी लाइफ साइकिल जो है वो चेंज हो जाती है। तीसरा मेजर पॉइंट है हाई टेम्परेचर। बहुत दिनों तक हमारे बॉडी में टेम्परेचर बना रहना, जैसे कि आर्थराइटिस, जैसे कि टाइफॉइड, जैसे कि मलेरिया, जैसे कि जॉन्डिस, जैसे कि वायरल फीवर, ये फीवर में हमारा हेयर साइकिल जो है वो डिस्टर्ब होकर टिलोजन इफ्लुएम फेज में चले जाता है। तीसरा मेजर कॉज है सीवियर इलनेस। कोई बड़ी बीमारी, जब कोई बड़ी बीमारी हमको आती है तब हमको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, और या फिर हमको रेस्ट लेना पड़ता है, बहुत सारे मेडिकेशंस लेना पड़ता है, तब भी हम टिलोजन इफ्लुएम में जा सकते हैं। बाद में आता है आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न जो है, वो सडन वेट लॉस या फिर रैपिड वेट लॉस। सडन वेट लॉस में, रैपिड वेट लॉस में क्या होता है कि हमारे बॉडी में इंटेक जो है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स का वो डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है, वो बैलेंस नहीं रह सकता, इसलिए हमारा हेयर साइकिल जो है वो डिस्टर्ब होकर उसको शॉक लगकर वो टिलोजन इफ्लुएम में जाते हैं। स्ट्रेस ये भी एक टिलोजन इफ्लुएम का महत्वपूर्ण कारण है। आजकल हम देख सकते हैं कि मानसिक तौर पर स्ट्रेस होना, शारीरिक तान पर स्ट्रेस होना, ये भी हमारे हेयर साइकिल को रिदम डिस्टर्ब करके टिलोजन इफ्लुएम में कन्वर्ट करता है। इसीलिए आजकल कम एज में भी हेयर फॉल की शिकायतें दिख रही है, जिसका मेजर कारण है स्ट्रेस। तो ये थी जानकारी शॉर्ट में आपको मेजर हेयर लॉस के बारे में, जो है टिलोजन इफ्लुएम। अब हम जानते हैं सबसे मेजर कारण, 90% जो आज हमारे जो नौजवान हैं उसमें से 90% पेशेंट जो है वो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया से गुजर रहे हैं। आप भी उसके शिकार हो सकते हैं। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया को कैसे पहचाना जा सकता है? सबसे पहले हमको उसको ये समझना जरूरी है कि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होता क्या है। एंड्रोजन्स यानी हार्मोन्स, एलोपेशिया यानी हेयर फॉल, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, एंड्रोजन्स यानी DHT मेल हार्मोन्स, जेनेटिक यानी हमारा जो जेनेटिक पैटर्न है वो, और एलोपेशिया यानी हेयर फॉल। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, इसको हम कैसे पहचाना जा सकता है?
जैसे कि हमने देखा एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में हेयर लाइन जो है आपका थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम होते नजर आता है। जैसे कि हमने देखा टिलोजन इफ्लुएम में आपको बाल नजर आते हैं, आपके हाथ में आते हैं, आपके बेसिन में गिरते हैं, आपके रूम में गिरते हैं, वैसे आपको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में इतना आपको हेयर फॉल नहीं दिखेगा, पर धीरे धीरे आपको आपकी हेयरलाइन रिसाइड होते हुए दिखेगी। दिन ब दिन आपका हेयरलाइन जो है वो पीछे हुए जाते हुए आपको दिखेगा। इसको कहते हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। ये क्यों होता है, ये किस लोग इसको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया से गुजर रहे हैं? एंड्रोजेनिक एलोपेशिया को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे कोई फैमिली पैटर्न में, जेनेटिक्स में, हेरिडिटरी में किसी को हेयर फॉल है क्या या फिर बाल्डनेस है क्या। 50% से ज़्यादा लोग ये हेयर फॉल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ये जीन्स को आगे लेके बढ़ रहे हैं, फादर से हो या फिर मदर से हो। आपको अगर आपके जीन्स में प्रेजेंट हो बाल्डनेस है तो आपको एंड्रोजन्स अगर बाद में आपके बढ़ते हैं बॉडी में किसी कारण, तो आपको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होना है और आपको बाल्डनेस होना है। डिपेंड ये करता है कि ये कब होगा, आपका लाइफस्टाइल जो है ये इसको डिपेंड करेगा कि ये कब से शुरू करें और किस पैटर्न में शुरू करें। आपका लाइफस्टाइल अगर बहुत ख़राब है, आपको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया आपके 23 इयर्स में भी दिख जाएगा। आपका लाइफस्टाइल अगर बहुत अच्छा है, आप उसको बहुत अच्छी तरीके से संभाल रहे हैं, तो आपको ये आफ्टर एज 40 के बाद में भी आपको दिखने को मिलेगा। ये था एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के बारे में, जो कि आज 90% जो लोग हैं वो उससे गुजर रहे हैं। अब जानते हैं कई अन्य कारण कि जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे बालों से उनका रिश्ता है और वो जो उनको कारण होते हैं। टिलोजन इफ्लुएम और एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के अलावा भी कई ऐसे कारण हैं जो हमारे हेयर को डायरेक्ट या इनडायरेक्टली उनके ऊपर इफेक्ट करते हैं, तो उनके ऊपर थोड़ा हम नज़र डालते हैं, वन बाय वन देखते हैं। पहला कारण है थायराइड, जो आजकल हाइपोथायराइड होना, हाइपरथायराइड होना, ये हमारे हेयर पर इम्पैक्ट करता है। दूसरा है डायबिटीज़, डायबिटीज़ भी हमारे हेयर के ऊपर इम्पैक्ट करता है। तीसरा है फीमेल्स में PCOS नाम की बीमारी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो भी हार्मोन से रिलेटेड है उसमें भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा देखा गया है। तीसरा पॉइंट है मेडिकेशंस, बहुत से ऐसे लोग हैं आज 30-40% आज हम जो लोग हैं इंडिया में उनको मेडिसिन की ज़रूरत रहती है, जैसे आर्थराइटिस की मेडिसिन, BP की मेडिसिन, खून पतला होने की मेडिसिन, डायबिटीज़ की मेडिसिन और कई अन्य मेडिसिन, बर्थ पील कंट्रोल्स, इसकी वजह से हमारा हेयर फॉल भी देखा गया है। बाद में नेक्स्ट पॉइंट है आयरन का सप्लीमेंट कम होना, आयरन की डिफिशियंसी होना, जिंक सप्लीमेंट की डिफिशियंसी होना, प्रोटीन डिफिशियंसी होना, ये भी कारण देखे गए हैं। हार्ड वाटर, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है, इसके कारण भी हमारा हेयर फॉल होता है। बाद में आता है हम डाई जो करना, ब्लीच करना, हेयर स्टाइल अलग अलग करना, इसके कारण भी हमारे हेयर फॉल होते हैं। बाद में आता है स्मोकिंग, स्मोकिंग के कारण, ज़्यादा शराब पीने के कारण, इनके कारण भी हेयर फॉल होना, डायमीटर उनका कम होना, ये भी देखा गया है। बाद में आता है सबसे मेजर कारण डैंड्रफ। डैंड्रफ के बारे में इस वीडियो में बताना बहुत मुश्किल होगा, डैंड्रफ के बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा इसके नेक्स्ट वीडियो में, आपको मैं जानकारी दूंगा डैंड्रफ क्यों होता है, कैसा होता है, उसके उपाय क्या है और ये हेयर फॉल के कॉजेस के ट्रीटमेंट क्या है। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।